हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बारी जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। हम बेसिकली बात कर रहे थे कंडक्टर्स के बारे में और हम लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ई जीरो है तो वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दैट्स वाई जो वो कंडक्टर के अंदर वाला जितना भी पोर्शन था हमने बोला उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसको हम लोगों ने एक इक्विपोटेंशियल रीजन बोल दिया। इक्विपोटेंशियल रीजन बोल दिया तो इक्विपोटेंशियल रीजन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या सिमिलर वो प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्या रिलेशनशिप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर आएंगी, परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होंगी और परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट होने वाली है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूँ चार्ज, तो वो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है, उसके सरफेस पे रिसाइड करता है, चाहे वो होलो कंडक्टर हो चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, ठीक है ना। वो सब चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि सिग्मा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RC। RC इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि अगर मैं एक आइसोलेट कंडक्टर के बारे में बात करूँगा तो जो सरफेस डेंसिटी होती है वो 1/inversely प्रोपोर्शनल टू RC के रहती है। सेकंड चीज आपने क्या देखा था यहाँ पर कि सिग्मा डिफाइन किया गया था सभी कंडक्टर्स के लिए, विल डिफाइन सिग्मा फॉर ऑल द कंडक्टर, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो चाहे वो होलो कंडक्टर हो। सेकेंडली हम लोगों ने स्फेयर लेने का क्या यूज था, स्फेयर से हमारा बेसिकली मोटो क्या था कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे क्या है बच्चों, सेम। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे सेम है तो बेसिकली हमारे लिए ये क्या हो गया, सिग्मा हमारे लिए यहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग कल बात कर चुके थे। फिर हम लोगों ने कल एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा कि कोई भी एक आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अगर हम लोग जस्ट बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आई थी बच्चों वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और कल हम लोगों ने जाते जाते यहाँ पर ये डिस्कशन किया था कि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या ये इस वाले सरफेस के, इस वाले चार्ज के कारण आई थी क्या जो गॉसियन सरफेस के अंदर था, या पूरे के पूरे चार्ज के कारण? तो आप लोगों का आंसर था ये पूरे के पूरे चार्ज के कारण आती है, चाहे कोई चार्ज यहाँ पर हो चाहे कोई चार्ज यहाँ पर हो, यानी कंप्लीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों तो आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहता है कि वही कंडक्टर ले लेते हैं जिस पर कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी है बच्चों, ये वही कंडक्टर है, इस पर वही छोटा सा पार्ट ds है, या dA हम लोगों ने एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया dA, जो कि इसकी सिग्मा डिफरेंट है, बट इस पॉइंट पर हम लोगों ने डिफाइन किया कि इस पॉइंट पर इसकी लोकल डेंसिटी, लोकल डेंसिटी का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जहां आप चर्चा कर रहे हो उसकी डेंसिटी है सिग्मा, और जो कि ये एरिया बहुत छोटा है, ये एरिया बहुत छोटा है, तो सिग्मा हम लोग इसके लिए यूनिफॉर्म मान सकते हैं। अब इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है यहाँ पर, इस पे चार्ज भी प्रेजेंट है, चार्ज कितना है dQ, dQ की वैल्यू कैसे लिखी थी बच्चों हम लोगों ने, dQ की वैल्यू लिखी थी सिग्मा इंटू dA, तो चार्ज भी है बच्चों यहाँ पर, तो इस पे फोर्स भी लगने वाला है Q into E। अगर फोर्स लगने वाला है Q into E तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा F बाय। अब जो कि मैक्सिमम बच्चा गलती क्या करता है, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या बोलता है वो बड़ा सिंपल सा बहुत बात करता है कि सर देखिए प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया हम लोगों ने dA बहुत छोटा सा एरिया माना है तो एरिया dA मान लिया। अब फोर्स का फॉर्मूला देखिए सर, फोर्स को फॉर्मूला लिखता है सर Q into E, क्यू हम लोगों ने dQ माना है तो dQ, ई की वैल्यू अभी निकाली है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय dA, dQ की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए इंटू सिग्मा बाय डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट, dA विल कैंसिल आउट, तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम बच्चा ये गलती कर देता है बच्चों, ये गलत है। वो क्यों है वो रीज़न समझाता हूँ। एक बात बताओ, जो आप लोगों ने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस dQ के कारण भी है और बाकी रेस्ट ऑफ द चार्ज जो भी है कंडक्टर, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर के कारण है ना ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ,
जब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, हमने बोला लेट्स से ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। जल्दी बताओ हमें Q3 पे फोर्स निकालना है, तो Q3 पे फोर्स लगाएगा कौन कौन? तो लॉजिकल है सर, Q3 पे फोर्स Q1 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। क्या Q3 अपने आप पे खुद पे फोर्स लगा सकता है? नहीं। तो इसको लर्न करने का तरीका मैंने क्या बोला था बच्चों, कि अकेली चुंबक कभी भी नहीं नाचेगी। एक चुंबक को अगर आपको नचाना है तो यू हैव टू ब्रिंग सेकंड मैग्नेट या कोई भी ऐसा सोर्स आपको प्रोड्यूस लेके आना है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो सिमिलरली Q3 अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई फील्ड से अपने आप पर ही फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसमें फोर्स कौन कौन लगाएगा? सर Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा। तो फोर्स ऑन Q3 को कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन Q3 को कैसे लिखोगे बच्चों? सर फोर्स ऑन Q3 इज रिटन बाय Q3, जो चार्ज जिस पे फोर्स निकाल रहे हो, बाकी उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ दी चार्जेस के कारण जितना भी फील्ड है, रेस्ट ऑफ दी चार्जेस के कारण फील्ड किस किस के कारण? E1 प्लस E2। ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जब ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला चार्ज भी तो काउंट कर लिया ना बच्चों, ये वाला काउंट भी कर लिया, ये तो गलत हो गया हमारे लिए। तो हम लोगों के लिए बेसिकली क्या निकालना है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज समेशन ऑफ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डी क्यू चार्ज, बाकी रेस्ट ऑफ द चार्जेस के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डी क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज। अब ध्यान से देखना, मुझे ये वाला चार्ज चाहिए, ये वाला जिस पे निकाल रहे हो फोर्स, जिस पे निकाल रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबके कारण फील्ड कैलकुलेट करो। तो मुझे इसके कारण, इस पे निकालना हमें फोर्स, तो इसको छोड़ के इसके कारण बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता लग जाए तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, ये बहुत छोटा सा लॉजिक है बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर तो कल ही प्रूव किया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर तो हमें समझ में आ गया। अब याद करो, अब इसके जस्ट बाहर बात कर रहे थे, जस्ट बाहर की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो हमारे लिए जो ये सरफेस है ना, ये सरफेस बहुत छोटा सा सरफेस जिसको हम लोगों ने चूज किया है, देखो ध्यान से, ये DA सरफेस है बच्चों, ये DA सरफेस है, बहुत छोटा है। इसके जस्ट बाहर, जस्ट बाहर का मतलब ये पॉइंट मान लिया P और ये सेपरेशन मान लिया R। बच्चों DA बहुत छोटा है बट ये R उससे भी छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोला गया DA की वैल्यू है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर बहुत छोटा एरिया है, लेकिन जो ये R की वैल्यू ना, R की वैल्यू और भी छोटी दे दी, जैसे 10^-12 एंगस्ट्रॉम, 10^-12 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10^-22 मीटर, 10^-22 मीटर। देखिए DA के कंपैरेटिवली ये R बहुत छोटा है, तो इस वाले पॉइंट R के लिए या P पॉइंट के लिए ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी बच्चों, एक इनफाइनाइट शीट जिसकी सिग्मा डेंसिटी है। इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी बोलो, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर तो ये निकाल चुके हैं हम लोग, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, पूरे के पूरे कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ये होती है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द चार्ज के कारण, इसको मैं ई ही बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज, ये वाला। बस अब हमें ई कैलकुलेट करना है, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लो, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इसमें से ये माइनस करो तो 1-1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1-1/2 हो जाएगा 1/2। नहीं आया बच्चों समझ में भाई, 1-1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रखना है बच्चों यहाँ पर। देखिए अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला चार्ज नहीं है, जिस वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हो, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी बच्चों सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस पे डी क्यू पे फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑन डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, डी क्यू इंटू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाले फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो बच्चों, ये वाले फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों इसको एरिया से डिवाइड करो, तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, एफ बाई डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए। अब देखो डी क्यू की वैल्यू को क्या रख सकता हूँ, सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा इंटू डी ए इंटू सिग्मा बाई टू एफ साइलेंट नोट इंटू डी ए, डी ए डी ए विल कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला कितना बना बच्चों, सिग्मा स्क्वायर बाई टू एफ साइलेंट नोट। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है बच्चों, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी खुद किस पर डिपेंडेंट है, आर पर। सोचो जिसका आर छोटा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया, या यू कैन से उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल प्रेशर अप्लाई कर सकता है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब जो हम बात करने वाले हैं ना, बात करेंगे हम स्फेरिकल कंडक्टर्स के बारे में। स्फेरिकल बेसिकली हम बात करेंगे स्फेयर्स के बारे में, ध्यान से सुनना। अब जो ये स्फेयर्स होते हैं ना बच्चों, हमारे लिए स्फेयर्स बेसिकली दो टाइप के होंगे, वन इज कंडक्टिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन कंडक्टिंग। चलिए, एक हमारे लिए कंडक्टिंग होगा, एक हमारे लिए नॉन कंडक्टिंग होगी। अच्छा, अब इन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में भी दो वैरायटी चलने वाली है, कि जो हमारा स्फेयर है बच्चों, जो हमारा स्फेयर है क्या वो होलोस्फेयर है क्या, अभी बताऊंगा। होलोस्फेयर इज जस्ट लाइक योर फुटबॉल। क्या जो ये है, क्या ये सॉलिड स्फेयर है क्या, सॉलिड स्फेयर है क्या। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग में भी दो ही टाइप चलेंगे बच्चों, क्या वो होलो नॉन कंडक्टिंग है क्या, होलो नॉन कंडक्टिंग है क्या, या वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। चलिए इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दूं बच्चों, तो दिस इज HC बोले तो होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, ये तो स्मॉल बाइफर्केशन आ गया। अब इस होलो कंडक्टर में भी, होलो स्फीयर में भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक जिसको बोलते हैं हम शेल का मतलब समझना। शेल बेसिकली अगर आप देखो तो शेल को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत छोटी सी लेयर होती है, बहुत छोटी सी लेयर, थिन लेयर, ये सेंटर। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाला रेडियस r और जो ये रेडियस है r प्लस डी आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, मतलब इनर सरफेस का रेडियस और आउटर सरफेस का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो इसको बोलते हैं हम थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल बेटे, आराम से सुनना, बिल्कुल बहुत स्मॉल बाइफर्केशन बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो ये होता है ना दूसरे वाला, ये क्या होता है, इसमें दोनों का रेडियस अलग अलग होता है, मतलब एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। 95-98% हमारे क्वेश्चंस में ये आएगा, अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो मान के चलना कि वो थिन स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहा है। और अगर उन्होंने बोल ही दिया क्वेश्चन में कि इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो आपको फिर तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि वो इसके बारे में डील कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कितनी कैटेगरी होगी, 1, 2, 3, 4। अब इन चारों कैटेगरी में हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है। देखना, ये मेरे पास एक स्फीयर है बच्चों, वेदर कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहां पर सेंटर से आर दूरी पर, हमें इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। फिर इससे यहां दूरी पर बी पॉइंट पर यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है, और इसका रेडियस आ गया कैपिटल आर। तो बेसिकली दो केस क्या बने, कि व्हेन आर इज ये छोटा डिस्टेंस, आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर इज योर रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आर लेस देन आर की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड दी स्फेयर। और आर ग्रेटर देन आर की बात कर रहा हूं मैं, आर ग्रेटर देन आर की बात कर रहा हूं बच्चों, तो आउटसाइड दी स्फेयर।
तो आउटसाइड दी स्फीयर। और अगर मैं r इक्वल टू r की बात करूंगा बच्चों, r इक्वल टू r की बात करूंगा तो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर यू कैन सी। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें ई बी कैलकुलेट करना है, ई ए, यहां पर हमें वी ए भी कैलकुलेट करना है बच्चों, यहां पर हमें ई बी भी कैलकुलेट करना है, यहां पर हमें वी बी भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 दो केस इसके, दो केस इसके, दो केस इसके, दो केस इसके, यानी एक कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये चार चीज कॉमन चलने वाली है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, अंदर बाहर पोटेंशियल। अच्छा तो एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये चार चीजें हो गई बच्चों। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के ग्राफ पढ़ने, हमें हमें ग्राफ पढ़ने ई वर्सेस आर, ई एज अ फंक्शन ऑफ आर दे देगा तो ई वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ना है, और सिमिलरली हमें वी एज अ फंक्शन ऑफ आर का भी ग्राफ पढ़ना है, वी एज अ फंक्शन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू आर। तो कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, और एक हमें पढ़ना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर। तो ये सात चीजें हमें पढ़नी है। दोबारा देखो, बहुत बेसिक सा बाइफरकेशन है। अब इस बाइफरकेशन के बेस पे अगर हम आगे बात करने वाले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक कंडक्टर के बारे में, हर एक स्फीयर के बारे में बेसिकली आप सात चीजें डील करेंगे, अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का ग्राफ, ई का भी ग्राफ और वी का भी ग्राफ, और उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सेम इस बारे में भी, इस बारे में भी, इस बारे में भी, इस बारे में भी। जल्दी बताइए क्या बच्चों ये स्मॉल बाइफरकेशन समझ में आया आप लोगों को? तो अब बेसिकली हमें क्या देखा बच्चों, हर एक स्फीयर के लिए हमें 7 केसेस पढ़ने हैं, यानी 7 × 4 = 28 केसेस। आप सुनना, अब जो कि मेरे लिए कंडक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, कंडक्टिंग कुछ चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, और सभी के सभी आइसोलेट कंडक्टर है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, या सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आराम से सुनना बच्चों, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब मैंने माना कि एक होलो कंडक्टर है, और होलो कंडक्टर को ही मैं शेल का नाम देता हूं बच्चों, शेल, यानी होलो कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, दिस इज एच सी, बोले तो होलो कंडक्टर। ये सॉलिड कंडक्टर है बच्चों हमारे लिए, ध्यान से सुनना, दिस इज सॉलिड कंडक्टर, और सॉलिड कंडक्टर के अंदर भरा हुआ है भैया मास, मतलब अंदर से ठोस है ये, इसका रेडियस भी आर बच्चों, इसका रेडियस भी आर, दिस इज शेल, दिस इज सॉलिड, दोनों ही कंडक्टर है बच्चों, दोनों ही कंडक्टर है। तो अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बात करो, अगर मैं इसको चार्ज देता हूं क्यू और इसको चार्ज देता हूं क्यू, जल्दी बताइए जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई और वी, ये ई और वी बेचक मास की प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, अगर आपने देखा था यहां पर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था KQ/r², और अगर पोटेंशियल निकाले तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था KQ/r। जल्दी बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मास की, मास पे डिपेंडेंट है या चार्ज पे डिपेंडेंट है? सर ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी है तो कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में बात करें तो चार्ज कहाँ रहेगा? सर चार्ज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर रहेगा, पहली बात, यानी जितना चार्ज हमने दिया वो सारा का सारा आउटर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना, जो कि इसको फॉलो करेगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां पर भी और यहां पर भी, ध्यान से सुनो बच्चों, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, तो चार्ज, चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, पहली बात। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिए, जब भाई सारे सारे चार्जेस बाहर आ गए, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और सबकी सिग्मा सेम,
सिग्मा सेम, रेडियस सेम, तो इस वाले में और इस वाले में फर्क क्या पड़ा? जो कि कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर भी है ये, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं, बट अभी हम लोग और आगे एनालाइज करेंगे। तो देखिए इसमें भी सारा चार्ज आर रेडियस पे बाहर, इसमें भी सारा चार्ज आर रेडियस पे बाहर, तो ये दोनों बिल्कुल डिटो सेम है, यानी चाहे वो कंडक्टिंग होलोस्फेयर आ जाए, चाहे वो कंडक्टिंग नॉन होलोस्फेयर मतलब सॉलिड स्फेयर आ जाए, तो दोनों के रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, पॉइंट नंबर वन। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास होलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर आ जाए तो सर। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, यूनिफॉर्मली, ये तो अपने आप हो ही जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि कंडक्टर्स है। ओके अब होलो नॉन कंडक्टर देखो, होलो नॉन कंडक्टर बेसिकली भैया चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज वहां जाएगा सर जहां मास होगा। चार्ज कहाँ जाएगा? जहां मास होगा। अब इसमें देखो, इसमें अंदर तो देखो मास ये है, लेकिन इसमें अंदर तो चार्ज नहीं दे सकता ना मैं, तो चार्ज दूंगा कहाँ पर? इसमें भी कोई भी चार्ज दूंगा तो कहाँ पर देना पड़ेगा? सरफेस पे ही देना पड़ेगा। मान लो क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज में अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि हमने उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट यहाँ पर हमारी मर्जी चलने वाले कि हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी के लिए मैंने माना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, अगर नॉन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारा चार्ज अभी भी कहाँ जाएगा बच्चों? सरफेस पर ही, क्योंकि अंदर चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इन तीनों को देखो, इसका रेडियस भी आर मान लेता हूँ बच्चों, इसका रेडियस भी आर मान लेता हूँ बच्चों। तो देखिए होलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और होलो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर, तीनों के तीनों केस डिटो सिमिलर चलने वाले, डिटो सिमिलर, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो जो वो 7 × 7 × 7, तो यहाँ पर 21 रिजल्ट्स, बेसिकली वो 7 रिजल्ट्स में ही काउंट होंगे। बात समझ में आई? जल्दी बताओ। देखो तीनों में बिल्कुल पैरेलल एनालॉजी चल रही है, इसमें भी सरफेस पे चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आ रहे, इसमें भी सरफेस पे है सारा का सारा चार्ज, रेडियस आ रहे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तब केस को पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, तो तीनों के तीनों रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, यानी किसी भी एक के कारण आप लोग निकाल लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो इसकी होगी वही इसकी होगी वही इसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो इसकी होगी वही इसकी होगी वही इसकी होगी, पोटेंशियल जो इसके कारण अंदर होगा वही इसके कारण अंदर होगा वही इसके कारण अंदर होगा, जो बाहर इसके कारण होगा वही इसके कारण वही इसके कारण, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ इसका बनाओगे वैसे ही इन सब का बनने वाला है, जैसे ही पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ इनका बनाओगे सबके कारण सेम बनने वाला है, तो दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी चीज़, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में बात करोगे वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। जल्दी बताइए बच्चों, ये समझ में आया क्या? बात कर रहे हैं हम लोग सॉलिड, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की। अब इधर सुनो बच्चों, मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, स्फीयर है, जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है, और इस पे चार्ज क्यू हमने दे दिया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। हमसे बोला गया यहां से आर रेडियस पर, आर दूरी पर ये पॉइंट है ए, हमसे बोला गया फाइंड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए। आराम से सुना बच्चों, तो हमने क्या किया, हमारे पास तो एक ही थ्योरम है बच्चों, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कह रही है, अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। लो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो बच्चों वो ऐसे ही जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुई तो ऐसे ही लाई करने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, अगर हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुई तो ऐसे ही लाई करेगी पहली बात, और ऐसी है तो एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर भी ऊपर है बच्चों, तो दोनों के बीच में एंगल बोलो बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा की वैल्यू जीरो आ गई बच्चों। चलो अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई करो गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ क्या कहती है बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ पे देखिए ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए में थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो तो बेसिकली क्या करूँगा, ई यूनिफॉर्म है बच्चों हर पॉइंट पे सेम आएगा, ई को बाहर लेके आ जाओ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस ऑफ जीरो, ई की वैल्यू को बाहर लेके आ जाओ बच्चों, ये फोर पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस मेरे पास एक स्फेरिकल शेल बना, गॉसियन गॉसियन सरफेस एक स्फीयर बना मेरे लिए बच्चों, एक स्फीयर मैंने गॉसियन सरफेस चूज किया है। चलिए तो ई डॉट डी ए की वैल्यू आ गई ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं क्यू इन, अब ये बताओ इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं सर, क्योंकि ये तो कंडक्टर है और कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, आउटर सरफेस पे। तो क्यू इन की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पर क्यू इन की वैल्यू कितनी आ गई सर, क्यू इन की वैल्यू जीरो हो गई, यानी ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, जीरो। इसका मतलब ई क्या हो गया, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, जीरो। चलिए अब बाहर आ जाओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये केस क्या था हमारे पास, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब बात करते कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो बच्चों करना कुछ नहीं है, वही मेरे पास कंडक्टर है ये रहा, इस पे वही रेडियस क्यू दे, मतलब वही चार्ज मैंने क्यू दे दिया। अब जो कि मेरे लिए पॉइंट है वो पॉइंट आउटसाइड दी सरफेस है बच्चों, यहाँ पर है ये रेडियस आर है बच्चों, ये सेंटर सी मान लिया बच्चों मैंने, तो अब मैंने एक बड़ा गॉसियन सरफेस बना लेना है, बड़ा गॉसियन कंप्लीट कर लेना इसको बच्चों, तो ये एक बड़ा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगा, दिस इज गॉसियन सरफेस। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसी ही होगी बच्चों, इधर ही, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में अभी भी एंगल देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री। तो फिर लगाओ बच्चों, अप्लाई गॉस लॉ ई डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखने वाली क्या बात है बच्चों, एंगल अभी भी जीरो है, तो ई इसके हर पॉइंट की दूरी आ रही रहेगी बच्चों, तो ई सेम रहेगा, ई को बाहर लेके आ जाओ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस जीरो। तो अब रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस में अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है, क्यू, तो यहां पर क्यू इन की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो बच्चों, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। अब आप जैसा एक बच्चा बैठा हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आ गया। अब आप जैसे कोई समझदार बच्चा बैठा होता, उसने बोला सर एक बात बताइए, ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है, ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है, और ये फॉर्मूला कैसा देखा देखा लग रहा है कि सर देखिए, अगर इस क्यू चार्ज को जो कि सरफेस पर है, अगर मैं यहाँ सेंटर पे मान लूँ, आउटसाइड दी सरफेस के लिए बात करें, अगर मैं यहाँ सेंटर पे मान लूँ, तो क्या मैं यहाँ पर पॉइंट सोर्स वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिल्कुल के क्यू बाई आर स्क्वायर, देखो सर वही तो रिजल्ट आया। तो याद करना, आउटसाइड दी सरफेस ऑफ कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के लिए, चाहे वो आपके पास सॉलिड हो, चाहे वो आपके पास होलो हो, चाहे वो आपके पास कंडक्टिंग हो, चाहे वो आपके पास नॉन कंडक्टिंग हो, तो सिंपली क्या करना, आउटसाइड दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर यानी इसके लिए, तो मान लो कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर से दूरी कितनी है आर, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज़ें समझ में आई क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए अब अगर कोई मेरे से पूछे कि सर चलो हमने इनसाइड देख लिया, हमने आउटसाइड देख लिया, अगर ये वाला पॉइंट मान लूँ मैं, जस्ट ये वाला पॉइंट सरफेस पर, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर क्या हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आर की वैल्यू देखो ना, आर की वैल्यू सी पर, स्मॉल आर की वैल्यू सी पर कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, पुट कर दो कैपिटल आर। तो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस की बारी बात करें बच्चों, ऑन द सरफेस स्मॉल आर दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितनी बन जाएगी बच्चों, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर।
अब देखो ये तीन पॉइंट हमें समझ में आ गए और यहाँ से हम लोगों को एक एनालॉजी समझ में आ गई कि देखिए बच्चों इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो कैपिटल आर छोटा है, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, देयर फोर ई एट सी इज ग्रेटर देन ई एट बी। यानी जब यहां से चलूंगा मैं तो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी इनसाइड, जैसे ही सरफेस पे पहुंचा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यानी मैक्सिमम। और फिर जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से देखना बच्चों, ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, अगर ई वर्सेस आर का ग्राफ, ये मैंने आर ले लिया बच्चों और ये मैंने ई एज अ फंक्शन ऑफ आर ले लिया बच्चों, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी जीरो, यहां पर ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और मतलब जब तक ये सरफेस पे नहीं पहुंचे, सरफेस पे नहीं पहुंचे मतलब आर की वैल्यू कैपिटल आर यहां से यहां तक यानी लेस देन आर की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा यानी आर लेस देन कैपिटल आर। जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस पे मैक्सिमम होती है बच्चों, सरफेस पे मैक्सिमम है बच्चों, ये सरफेस पे कितनी मैक्सिमम है बच्चों, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर सरफेस से बाहर चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, ये आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये वाला पॉइंट आर इक्वल टू आर के लिए यानी ऑन द सरफेस, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आर लेस देन आर के लिए। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये तीन वेरिएशन इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस, फोर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी अगर मैं बात करूं HC, SC और HNC, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। जल्दी बताओ अगर आपको CBSE में या कहीं पर भी ये न्यूमेरिकल आता है या ड्रो करना प्रूफ करना आता है, बस वो नाम बदल दे, तो नाम बदलने से दिक्कत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रोसीजर विल रिमेन सेम। जल्दी बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर वही होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको लिखा मिल जाए तो आंसर सेम रहने वाला है। अब हमने बात कर ली, देखिए बच्चों फिर वही यही हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है बच्चों, ठीक है। चलिए इस पे चार्ज दे दिया बच्चों हमने क्यू और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट माना हुआ है। हाँ ये इसमें ये देख लेना बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए आ जाओ, अब एक बात बताओ, मान लो ये चार्ज हमने दे दिया क्यू, अब ये तो हमें पता है, इतना हम कैलकुलेट कर पाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर है, वी कांस्टेंट है। अब चाहे कंडक्टर हो चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग हो तो भी यही रीजन बनने वाला है, वी कांस्टेंट है। अब ये वी है तो है कितना, तो अगर मुझे सी पर, सी बोले तो सेंटर, सेंटर सिमेट्री से बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है ये, तो अगर मैं सी पे कैलकुलेट कर लूं वी सी, पोटेंशियल एट सी जो भी आएगा, चाहे वो पॉइंट ए पॉइंट मानूं, चाहे वो पॉइंट बी पॉइंट मानूं, चाहे वो पॉइंट सी पॉइंट मानूं, कहीं पर भी मानूं डी पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एट सी दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। बट मेन मोटो ये है कि नाउ हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट सी, तो पोटेंशियल एट सी निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। देखो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये डी क्यू बहुत छोटे छोटे चार्जेस फैले हुए हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज मानो डी क्यू, यहाँ पर भी एक छोटा सा चार्ज मान लिया डी क्यू, जो कि सारे के सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है, तो छोटे छोटे अमाउंट्स में फैला हुआ है, ये भी डी क्यू चार्ज, ये भी डी क्यू चार्ज और ये भी डी क्यू चार्ज। चलिए किसी भी एक डी क्यू के कारण छोटा सा पोटेंशियल निकाल लो, देखो इसके कारण यहाँ की दूरी आ रहा है बच्चों, तो पोटेंशियल छोटा सा पोटेंशियल एट वी एट सेंटर कितना हो जाएगा बच्चों, के इंटू डी क्यू बाय आर,
इसके कारण भी क्या हो जाएगा बच्चों, के डी क्यू बाई आर, 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 सिंस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड कर दो ना बच्चों, इंटीग्रेट करो तो पोटेंशियल एट सी कितना आ गया बच्चों, के बाई आर बाहर आ जाएगा और डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना गिवन है बच्चों, क्यू। लो भैया, यानी सी पर जो पोटेंशियल है ना बच्चों, सी पर जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, के क्यू बाई आर। सी पर भी वही पोटेंशियल है तो ए पर भी वही पोटेंशियल होगा, डी पर भी वही पोटेंशियल होगा, बी पर भी वही पोटेंशियल होगा, खत्म। तो पोटेंशियल सेंटर से लेके यहां तक बिल्कुल सेम। अब इसके आउटसाइड द पॉइंट देखते हैं, तो बच्चों ये हमारे पास क्या गया, आर लेस देन कैपिटल आर। लो सेकंड केस देखो, आर ग्रेटर देन, तो आर ग्रेटर देन के लिए क्या करना है बच्चों, आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या करना है, मान लो वही दोबारा से, फिर वही, ये पोटेंशियल हमारे लिए, ये डिस्टेंस आ रहा है बच्चों, इसका रेडियस आ रहा है बच्चों, चार्ज क्यू दिए दे दिया और क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, फिर हमारा तो वही पॉइंट है बच्चों। अब कैसे निकाले, सिंपल सी बात वही है बच्चों कि इस क्यू को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में माना था अजम्पशन क्या, कि अगर इस क्यू को मैं यहां पर रख दूं सेंटर पर, आउटसाइड द पॉइंट के लिए सेंटर पर रख दूं, तो ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, वी एट के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। चलिए बस आ गया। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाओ बच्चों, ग्राफ देखो दोबारा से, v वर्सेस r का ग्राफ देखते हैं, v वर्सेस r का ग्राफ, ये वाला वो पॉइंट है जब छोटा r रेडियस के बराबर है, देखो रेडियस सरफेस पे पहुंच गए, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है बच्चों, के क्यू बाई आर, तो यानी जब रेडियस r की वैल्यू जीरो है तो भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर के बराबर है, जब वो कहीं पर भी आ गया है तो भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर के बराबर है, और यहां पर है तो के क्यू बाई आर, यानी यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों। अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर कैपिटल आर, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर, तो अगर मैंने इसको बी नाम दे दिया, इसको मैं सी दे देता हूँ, सी मत बोलो, इसको डी बोल देता हूँ, डी मत बोलो, इसको ई बोल देता हूँ, तो पोटेंशियल एट ई कितना है, पोटेंशियल एट ई बेसिकली सरफेस पे, अगर मैं बात करूँ सरफेस पे बात कर रहा हूँ बच्चों, तो पोटेंशियल एट ई है के क्यू बाई कैपिटल आर, और पोटेंशियल आउटसाइड कितना है, पोटेंशियल एट बी कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर, तो बताइए पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है, जैसे सरफेस से बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल घटा या बढ़ा, सर घट रहा है, क्योंकि ये वाला रेडियस इसके कंपैरेटिवली बड़ा है, तो पोटेंशियल कम होता चला गया। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया क्या, तो ये हमारे पास पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल आउटसाइड और उसका ग्राफ, तो हमारे लिए छः केसेस हो गए, तीन और तीन छः, और छः में हमने वे तीन केसेस को डिफाइन कर दिया, ख़त्म। अब बात आती है इन तीनों के तीनों सरफेस के लिए वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, बस वो पोटेंशियल एनर्जी और करा देता हूँ, तो आपके तीन स्फेयर्स खत्म, होलो कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। अभी क्वेश्चंस में बस ये नेम चेंज होंगे तो आपको डरना नहीं है, इसलिए ये बाइफर्केशन पूरा का पूरा लिटरली ऐसे समझाया कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, बाद में एक चार्ट भी बना देंगे, चार्ट बना के बस वो चार्ट को आपको क्रैम करना, दिमाग में बैठा लेना है, बाकी सब चीज़ें देखना, क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, चार्ट याद है तो क्वेश्चन खत्म। चलिए जल्दी देखो इसको, अब हम बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर। अब वो स्फीयर कौन कौन से बच्चों, एच सी, एस सी, एच एन सी। अब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या था, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ भी नहीं था सर, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब याद करो, एक बहुत अच्छा सा रिलेशन भी देखा था हम लोगों ने कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, याद है बच्चों आप लोगों को ये, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोगों ने ये भी लिखा था माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, सब भूल गए ना सब। अब देखो, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है बच्चों, दिस इज अ कंडक्टर, और हमें इसको क्यू चार्ज करना है,
तो बेसिकली बात ये आई कि ये क्यों चार्ज करेंगे कैसे। तो हम बड़ा बेसिक सा बाइफरकेशन करते हैं। याद करो जब आप लोगों को ऐसा एक न्यूमेरिकल कराया था कि भैया ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर इन्फिनिटी पर तीन चार्जेस रखे हुए हैं। याद करो इन्फिनिटी पर ये तीन चार्जेस रखे हुए हैं, तो हमने बोला था बताओ Q1 Q2 Q3 को इसके वर्टेक्स पर रखने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपने बोला था पहले Q1 को लेके आओ। Q1 के यहाँ पर विसिनिटी में कोई भी दूसरा सोर्स नहीं था, तो Q1 को लेके आने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा बेटा? Q1 को लेके आने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा? जीरो। Q2 को लेके आने के लिए वर्क डन करना पड़ा था, हाँ जी सर, किसके अगेंस्ट? Q1 के अगेंस्ट। तो Q1 Q2 / R, यस या नो बोलो। बिल्कुल सर, ये दूरी R मान लेता हूँ। फिर वर्क डन इन Q3 को लेके आए थे, वर्क डन इन Q3 को लेके आए थे, तो Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ा और Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ा था। तो K Q1 Q3 / R प्लस K Q2 Q3 / R, ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया था। अब सर इसमें कैसे करें? इसमें भी ऐसे ही करो बच्चों कि मान लो ऐसा कि यहाँ पर इन्फिनिटी पर है ना, इन्फिनिटी पर बहुत सारे DQ चार्ज रखे हैं, DQ बहुत छोटे छोटे DQ चार्जेस रखे हुए इन्फिनिटी पर, और इन सब का समेशन ऑफ DQ फ्रॉम 1 to infinite ये Q के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। तो बताओ अब एक छोटे से चार्ज को लेके आने के लिए, छोटा DQ को लेके आने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसको लेके आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, इसको लेके आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा इन दोनों के अगेंस्ट, सेम वैसे ही वाइस वर्सा। अब जब हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं DQ चार्ज को इस पर, मान लो ऐसा करते करते हम लोगों ने इस पर Q चार्ज दे दिया, Q चार्ज हमें देना Q है बच्चों, Q चार्ज देंगे तब जाके ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन अभी हमने मान लिया कि इस पर हम लोगों ने Q चार्ज दे दिया, ओके सर। अब जो कि देखिए ये फोर्स जो इस पर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर फोर्स लगाएगा तो वेरिएबल है अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी हम लोगों ने, तो वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल या पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल DW एक्सटर्नल देखो किसके बराबर है, DW एक्सटर्नल माइनस W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, और ये किसके बराबर है बच्चों? Q into delta V। तो माइनस जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा Q into delta V कर लो बेसिकली आप Q into delta V। अब ध्यान से सुनना, अब हम किसको लेके आ रहे हैं? Q चार्ज को, DQ चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर Q की वैल्यू DQ हो जाएगी बच्चों, पहली बात। तो अब जब इस पे ऑलरेडी इतना चार्ज आ चुका है बच्चों, तो डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी दी पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस पॉइंट पर, कहाँ पर लेके आ रहे? सरफेस पे लेके आ रहे, कहाँ से लेके आ रहे? इन्फिनिटी पर। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है अगर ये रेडियस आ रहा है तो बताओ इस क्यू के कारण यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जल्दी अभी अभी पीछे पड़ा है, जितना सेंटर पे होगा सेंटर पे कितना होगा? K Q / R, तो उतना ही पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा बच्चों K Q / R। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है बच्चों? जीरो। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर K Q / R - 0, यानी K Q / R, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। डेल्टा वी की वैल्यू को यहां पे रखो, क्यू की वैल्यू को DQ, क्योंकि छोटे चार्ज को लेके आ रहा हूं ना, छोटे से चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू को DQ रखा, डेल्टा वी की वैल्यू को रखा K Q / R, ये स्मॉल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू किसी भी इंस्टेंट पे हमने मान लिया कि इस पे चार्ज, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके आ रहा हूँ ना, तो इस पे चार्ज स्टोर हो चुका है। फाइनल चार्ज कितना करना है? Q। तो इनिशियली चार्ज कितना था सर? इनिशियली चार्ज जीरो था। जब ये पूरा आ जाएगा कितना है? तो स्मॉल क्यू की वैल्यू जीरो, फिर Q की वैल्यू किसके बराबर करनी है बच्चों? Q की। बस अब इंटीग्रेट कर दो, ध्यान से देखो K और R कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ, तो K/R बाहर आ गया बच्चों। Q DQ का इंटीग्रेशन देखो बच्चों, Q DQ का इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों? Q² / 2, पावर में एक ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन देखो बच्चों, लिमिट 0 से Q, तो क्या आ गया बच्चों?
टू आर कैपिटल क्यू स्क्वायर। बच्चों दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर, चाहे वो हम एच सी की बात करें, चाहे वो हम एस सी की बात करें, चाहे वो हम एच एन सी की बात करें। जल्दी बताइए क्या ये समझ में आया, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करते। हमको इसको क्यू चार्ज करना है, तो हमने बोला कि भैया ये एक चार्ज लेके कहाँ से इन्फिनिटी से आएंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में, तो हमने ये मान लिया कि इन्फिनिटी पर डी क्यू चार्ज रखा हुआ है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी कितना है, जीरो। तो जब हम इसको लेके आ रहे थे तो किसी भी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज आ गया क्यू। जब इस पर चार्ज आ गया क्यू तो इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल बना के क्यू भैया। तो हम लोगों ने देखा कि सर इसको हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्यू कौन है, वो वाला चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे वो वाला चार्ज क्या है, डी क्यू। तो जब हम स्मॉल चार्ज डी क्यू को लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, जहाँ से लेके आ रहे हैं जहाँ पर लेके आना है इनके बीच का पोटेंशियल देखिए क्यू के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे रखा, इंटीग्रेशन किया, विल गेट द आंसर। अब बात ये आती है कि सर इसको हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर भी बोलते हैं बच्चों। अब ये एनर्जी याद रखना बस आपको, सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्क्वेयर कितनी आ गई, के क्यू स्क्वेयर बाय टू आर। अब बात आती है कि ये एनर्जी कहाँ पर है, तो ये एनर्जी बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे जब हम कंडक्टर्स को पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली कैपेसिटर में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए बच्चों जल्दी बताइए क्या यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।